नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक पोस्ट, शिक्षक नेता को बीएसए ने किया सस्पेंड, नहीं मिली बेल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के शिक्षक को मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर कोतवाली नगर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर मजिस्ट्रेट ने हाई प्रोफाइल मामले में शिक्षक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ने निजाम खान के खिलाफ कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। तहरीर के माध्यम से आशीष सिंह ने अवगत कराया कि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप पर है जिसका नाम समाज सेवा करना है। इस ग्रुप में शिक्षक नेता ने मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो अपने नंबर से पोस्ट की थी। आशीष सिंह ने कहा कि उनकी इस पोस्ट से हिंदू जनमानस और साधु संतों में रोष व्याप्त है। एडिटेड फोटो में सीएम योगी को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पैर छूते हुए दर्शाया गया था। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शिक्षक नेता की तरह से वायरल किया गया। विश्व हिंदू परिषद के आशीष सिंह के पहले और दिए गए पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना शुरू कर दिया था। निजाम खान पर भारतीय दंड संहिता 1980 के तहत 505 के भाग 2 के तहत केस दर्ज हुआ था। कोतवाली पुलिस ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें मजिस्ट्रेट कहकसा अंजुम के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण को गंभीर मानते हुए मजिस्ट्रेट ने उनकी बेल खारिज कर दी है और जेल भेजने का निर्देश दिया है। नगर कोतवाली पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।